सलाम टू ऑल व्यूवर्स। तो व्यूवर्स आज हम बनाएंगे मैक्रोनीज। ये हमने मैक्रोनीज पहले कुछ बॉयल कर ली हैं, इसमें हम गाजर डालेंगे जिसको हमने क्रश कर लिया है कद्दूकस, जिससे हम गाजरें क्रश करते हैं। और ये है बंद गोभी, ये भी हमने क्रश कर ली, इसको बॉयल कर लिया बॉयल। और ये आलू हैं, आलू को क्रश कर लिया हमने। इस तरह ये है शिमला मिर्च को भी क्रश कर लिया। और ये है कीमा जो आप चिकन भी डाल सकते हैं, और जो भी चिकन या कीमा कुछ भी डाल लें आप, दोनों चीज़ें चल जाती हैं। तो ये बॉयल की हुई मैक्रोनीज हैं, इसको एक दफ़ा ठंडे पानी में गुजार लिया। इन सब चीज़ों को पहले हमने फ्राई कर लिया है ऑयल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्राई की हुई हैं, तो क्रश करने के बाद इसको फ्राई कर लिया। अब इस तरह अब इसको बनाएंगे, मिक्स करेंगे मैक्रोनी से। अच्छा, इसके अलावा अदरक लहसुन और प्याज ये क्रश किया हुआ है, इसको पीसा और पीस के पहले मसाला तैयार कर लिया इसका। अब इसमें पहले डालेंगे आलू, फिर बाकी चीज़ें बंद गोभी और ये सब चीज़ें डाल के अब इसको भूनेंगे हम। अब इसमें डाल ली हैं सारी, अब डालेंगे इसमें सब मैक्रोनीज। ये मैक्रोनीज डाल ली इसमें, इसको अच्छे से भूनेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखने में मज़ेदार लग रही है कि बड़ी अच्छी बन जाएंगी ये। इसे क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए सारी क्रश की हुई चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह से इसमें मैक्रोनीज में। अब इसमें नमक मिर्च वगैरह और चीज़ें बाकी डालेंगे। अब इसमें पैनकेर डाल दिया, फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें डाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं नमक मिर्च, अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, अगर मुनासिब खाते हैं तो मुनासिब डाल लें। आप इसको दम दे देंगे, ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए इसके पकने देंगे। और इसमें कीमा बाद में मिक्स करेंगे क्योंकि ठीक है जी, चलें दम देने लगे हैं। ये हम दम सात मिनट के लिए हम दम, ये हमने इसका दम खोला है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा नमक कम लग रहा था। इसमें कीमा डालेंगे, ये कीमा हमने डाल दिया, अब इसको मिक्स करेंगे। इसको अब ये मिक्स किया हमने अच्छी तरह, ये कुछ मैक्रोनीज से कीमे के बगैर निकाली हमने, ये देखें
जो ये कुछ बड़े जो वो सब्जियां पसंद करते हैं वेजिटेबल्स की मैक्रोनीज, तो उनके लिए निकाली है ये। ये देख सकते हैं, तो व्यूअर्स हमारी मैक्रोनीज तैयार हो गई। अब इसको हम सर्व करेंगे, प्लेट्स में डालेंगे। वाह, ये हमारी मैक्रोनीज तैयार हैं। इसमें से सेक निकल रहा है, देख सकते हैं आप। तो हमारी मैक्रोनीज तैयार हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। अभी मैं चेक करता हूँ, अभी मैं चेक करने लगा हूँ। ये थोड़ी सी मैंने मैक्रोनी इधर से ली है, ये मैं खाऊंगा अभी। वाह, बहुत मज़ा बनी है मैक्रोनीज, बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही सिंपल सा फार्मूले से हमने तैयार की है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी, आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा। तो कांडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।